फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट में क्या फर्क है, ये इसको हम समझते हैं कि केस वन है कि एक आदमी है आमिर, उसने किराए पे जगह ली है और वो 5,000 रुपए पे कर रहा है अपने मालिक को। लेकिन जहां वो रहता है उसकी फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू जो है, फेयर वैल्यू वाली मार्केट रेंट जो है वो 6,000 है। तो इनकम टैक्स में हम 5,000 नहीं लेंगे बल्कि ये लेंगे, और 6,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो क्या 72,000 इसका रेंट आएगा एनुअल रेंट। केस टू में हमने देखा है कि एक्चुअल रेंट 8,000 है, लेकिन मार्केट जिस जगह वो रह रहा है वहां पे मार्केट में 7,500 चल रहा है। तो इस सूरत में चूंकि ये पड़ा है तो हम इसको नहीं लेंगे बल्कि 8,000 को लेंगे। इस 8,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो आएगा 96,000, ये हमारा एनुअल रेंट बनेगा। एनुअल रेंट हमेशा वो लिया जाता है जो एक्चुअल रेंट में और फेयर रेंट में बड़ा हो। ओके,